नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइवली 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। जैसा कि देखा जा रहा है कि सीओ साहब, वीडियो साहब और प्रशासन के द्वारा सभी दुकानों को बंद कराया जा रहा है, क्योंकि बंद कराने से ये फायदा है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है ताकि वो और लोगों में पट नहीं पाए, इसके वजह से प्रशासन के द्वारा सभी दुकानों को बंद किया जा रहा है। और ये जो आप लोग रथ देख रहे हैं, रथ के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर में रहें ताकि कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। आप लोग सर यहाँ पर किस प्रकार से मतलब जागरूक फैला रहे हैं या कर रहे हैं? जी हम लोग चलिए बोलिए। जी हम लोग जो बिहार सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी हुई है, लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं कि जितना आवश्यक आप लोग घर में रहें, बाहर यदि अति आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें। सारी दुकान बंद करने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं। जो जरूरत की चीजें हैं जैसे राशन, बैंक, सब्जी दुकान, गैस दुकान, ये सब जो आवश्यक चीजें हैं ये सब खुली रहेंगी। बाकी सभी लोग बिहार सरकार के एडवाइजरी का पालन करेंगे, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो हम लोगों को जो एडवाइजरी है उसका पालन करना पड़ेगा और हम लोगों को घरों में ही रहना पड़ेगा। और सर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे उनको इससे निजात मिल सकता है? देखिए, जो लोग बाहर से आए हैं, हमारा जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जो लोग आ रहे हैं 104 नंबर डायल करें और जिला प्रशासन उनके घर खुद जाकर स्वास्थ्य चेकअप कर रहा है और जो उन लोगों की जरूरत है, जरूरत का सारा सामान उपलब्ध किया जा रहा है। आपका नाम सर? जी लव कुमार मिश्रा, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष संजौली। संचार सेवा, बैंक, ATM, डेयरी, राशन, उसका मेडिकल, ये सब दुकानें खुले रहेंगे। फल का भी दुकान खुला रहेगा। जो भी निजी आवश्यकता है खाद्य पदार्थ का उसको खुला रखा जाएगा। आपका नाम सर? मोनू गुप्ता। यहाँ पर कोरोना संक्रमण को रोका जाए, हम लोग मोटिवेट करेंगे सभी को कि अपने चाय के दुकान, पान दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, खैनी दुकान सभी को बंद कर ले। आवश्यक चीजों को छोड़कर जैसे कि फल मंडी में सब्जी मंडी, किराना दुकान, मेडिकल, बैंक सेवा, ATM सभी मतलब की खुला रहेगा। और बाकी लोग अगर नहीं मानेंगे तो उन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी के आदेशानुसार उचित कार्रवाई किया जाएगा एवं जुर्माना भी हो सकता है।